ये है प्रांजल पाटिल जी, जिन्होंने आंख ना होने के बावजूद भी पहली ही बार में यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा पास की और पूरे भारत में 124वीं रैंक हासिल की और पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी होने का इतिहास रच दिया। जब ये 6 साल की थी तब स्कूल में किसी बच्चे ने इनकी आंखों में गलती से पेंसिल मारकर उन्हें घायल कर दिया। डॉक्टर ने कहा अब ये एक आंख से नहीं देख पाएगी, लेकिन भविष्य में इन्फेक्शन की वजह से इनकी दूसरी आंख भी जा सकती है, और बदकिस्मती से कुछ साल में इनकी दूसरी आंख भी चली गई। प्रांजल पाटिल जी ने 2016 रेलवे की परीक्षा में 733वीं रैंक हासिल किया था, लेकिन ट्रेनिंग के समय रेलवे मंत्रालय ने उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया। रेलवे मंत्रालय ने उनकी आंखें ना होने की वजह से उन्हें नौकरी के लिए मना किया था। इसके बाद 2017 में इन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और 124वीं रैंक हासिल करके एर्नाकुलम की नई उप कलेक्टर नियुक्त हुई। प्रांजल पाटिल जी ने सभी स्टूडेंट से कहा है सभी को खुद में विश्वास रखना चाहिए। प्रांजल ने कहा कि किसी भी चुनौती का सामना करने के बाद ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, इसलिए किसी भी तरह के चुनौती से ना घबराएं। प्रांजल जी का कहना है कि सफलता मिलने में समय लग सकता है, लेकिन हमें इस बीच हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। दोस्तों, नेत्र न होने के बावजूद भी प्रांजल पाटिल जी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन सर की एक बात याद आ रही है। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आप इतने महान कैसे हैं? आपकी इस महान सफलता का राज क्या है? सर, आइंस्टीन ने एक शब्द में जवाब दिया, लगन। दोस्तों, यकीनन अगर आप में किसी काम को करने की लगन है तो आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना।